लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5। और आज का क्वेश्चन है हमारा एसिटिक एसिड। बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको 25 से 30 मिनट के बीच में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता क्या है? तो एसिटिक एसिड का सब बेसिक फॉर्मूला होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसकी आंतरिक संरचना होती है, हमारे पास कितने एच हैं इसके पास? 3, और 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ एच। बॉन्ड के पास हम एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। कितने कार्बन है हमारे पास? 1, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 3 और 1, 4। 1, 2, 3 और 1, 4। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 हैं। कितने ऑक्सीजन हैं? 2। तो इसके बारे में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी जानेंगे बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, फिर इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो इसकी सारी एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में सबसे पहला प्रोसेस आता है हमारा इथाइल एल्कोहल के द्वारा हम बनाएंगे, और इथाइल एसीटेट के द्वारा हम बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल के द्वारा हम बनाएंगे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम किसके द्वारा बनाएंगे? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और इसमें हम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बनाने के लिए? सब हमें क्या चाहिए? एक ओ और चाहिए, तब हमारा यहाँ के क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 की उपस्थिति होगी, ठीक है, K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, फोर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा हमारा, क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का? CH3। अब पहले तो हमारे यहाँ बनेगा CH3CHO, ये बना हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के बाद फिर दोबारा अगेन हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हम फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इसके बोलेंगे हम एल्डिहाइड। और ये हमारा एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा CH3CHO बनता है। और अगेन दोबारा ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बन गया। तो इसके बारे में हम लिखेंगे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जब हम एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो
एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। जब हम एथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर दोबारा अगेन एल्डिहाइड की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं दूसरी प्रिपरेशन पे, दूसरी मेथड पे। दूसरा मेथड है हमारा एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COO C2H5। एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO और इथाइल का C2H5OH, ठीक है, C2H5। C2H5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इथाइल एसीटेट के द्वारा, तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला लिखेंगे CH3COO C2H5, और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम, इसमें डालेंगे जल। इथाइल एसीटेट में हम जल डालेंगे, जल का फॉर्मूला होता है हमारा H2O, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। तो क्या बनेगा, किस क्या चीज़ बना रहे हैं, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे CH3COOH। हमने एसिटिक एसिड बना दिया, बचा हुआ प्रोडक्ट हमारा क्या बचा, क्या चीज़ बचा हमारे यहाँ पर, क्या बचा हुआ हमारे यहाँ CH2 C2H5, यहाँ से बचा और एक H2OH यहाँ से बचा, क्योंकि एक ऐसे यहाँ गया और एक वो यहाँ आ गया, तो क्या बचा हमारे यहाँ C2H5OH बचा, ठीक है। तो अब इसका हम लिखेंगे, जब हम इथाइल एसीटेट की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हमारी भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में आ जाते हैं हम, सबसे पहले आ जाते हैं भौतिक गुण में। भौतिक गुण हमारे क्या क्या होते हैं, भौतिक गुण हमने सबसे पहले कल क्या लिखा था, कोई भी लिक्विड था रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, यह रंगीन होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, वह गंधहीन होता है, गंधहीन होता है, यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और यह एल्कोहल में विलेय होता है। एसिटिक एसिड जो होता है हमारा रंगीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा होता है और गंधहीन होता है, इसमें कोई स्मेल या गंध नहीं होती। और तीसरा, यह एल्कोहल में विलेय का काम करता है। विलेय का मतलब जैसे कि पानी में घुल जाता है, विलेय का काम करता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है तीन तीन तरीके की। तो पहली है हमारी रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। दूसरा एस्टरीफिकेशन कराएंगे और तीसरा रिएक्शन विद सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन हम आ जाते हैं रिएक्शन विद बेस। तो रिएक्शन विद बेस सबसे पहले हम करेंगे, किस चीज़ की रिएक्शन कर रहे हैं हम, CH3COOH।
किसके साथ? बेस के साथ। तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कोई भी बेस ले लेते हैं, NaOH, कोई बेस ले लिया, अब क्या बनेगा? अरे H दिख रहा है, OH दिख रहा है, सबसे पहले तो H2O निकलेगा, H2O निकला, H2O निकला, H यहाँ से, OH यहाँ से, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया अब हमने? CH3 COONa। अरे OH H हटाया, Na जोड़ दिया, प्रतिस्थापन विधि हमने स्टार्टिंग में कराई थी, इससे पहले वाले लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि कराई थी, इसलिए कराई थी जिससे कि आपके सारे रिएक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये वाला क्या बना हमारे पास? सोडियम सोडियम एसीटेट, कैसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो लिखेंगे जब हम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनता है और जल निकलता है। अब आगे आ जाते हैं, तो हमने क्या लिखा? जब हम सोडियम एसिटिक एसिड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम एसिटेट बनता है और जल के कुछ अणु प्राप्त होते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं हम एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण हम लिखा जब कम करेंगे, एस्टरीकरण, एस्टरी जब करण हम करते हैं, तो एस्टरीकरण में सबसे पहले हम करेंगे किस चीज़ की रिएक्शन करा रहे हैं, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी में, किस चीज़ की रिएक्शन करा रहे हैं हम? CH3COOH, CH3COOH की क्रिया करेंगे। और एस्टरीफिकेशन का जो हम एस्टरीफिकेशन कराते हैं उसमें हम किस चीज़ से रिएक्शन करते हैं एस्टरीफिकेशन में? एस्टरीफिकेशन में हम रिएक्शन करते हैं एथिल एल्कोहल की, CH2C2H5OH, और किसकी प्रेजेंस होती है? H2SO4, H2SO4 की प्रेजेंस होती है। एस्टरीफिकेशन कराएंगे तो एस्टर का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एस्टर का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ। तो एस्टरीफिकेशन कराएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे CH3, अब सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? एस्टर का। तो एस्टरीफिकेशन हमने सबसे पहले एस्टर बनाया, इसके बाद क्या बच रहा है हमारा? यहाँ बच रहा है हमारा C2H5, C2H5, ठीक है, C2H5। अब यहाँ पे हम बैलेंस ही पूरी कर लेंगे इसकी, इसकी बैलेंस ही पूरी कर लेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमारा O आ जाएगा और यहाँ C2H5, अब हमारी बैलेंस ही पूरी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर हमारे पास यहाँ कैसे बना?
एस्टर हमारा यहाँ पे बना। एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, एस्टर बन गया ना, एस्टर का फॉर्मूला मैंने यही लिखाया था फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं हम, लास्ट रिएक्शन है हमारी सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो किस चीज़ की रिएक्शन करा रहे हैं हम, CH3COOH की। तो सोडियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे Na2CO3। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, किस क्या करा रहे हैं, एसिटिक एसिड की हम रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, CH3COONa। मैंने पिछली वाली रिएक्शन में भी बताया था, यहाँ से एच हट जाएगा, Na जुड़ जाएगा, तो क्या बचा, क्या बच रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। और अरे एच दिख रहा है, ओ एच दिख रहा है, H2O निकाल दिया। ठीक है, H2O निकाल दिया तो क्या बना, इसके लिखेंगे हम बैलेंस शीट। सबकी पूरी है इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में सबकी हर रिएक्शन की बैलेंस शीट इसमें पूरी है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की जब हम रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम एसिटेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल मुक्त होता है। तो लिखेंगे जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल के कुछ अणु प्राप्त होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे यूजेज। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, पेपर में मुश्किल से कभी कभी बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है और वेरी शॉर्ट में इसके नेमिंग रिएक्शन पूछ ली जाती है, डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसको ठीक है, तो सबसे पहला हमारे उपयोग क्या होगा, मैंने बताया था सबसे पहला उपयोग हमारे केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रयोगशाला में। ठीक है, पहला होगा प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में और ईथर बनाने में, आगे रबर बनाने में और इत्र बनाने में, और डाई रंग बनाने में, रंजक बनाने में तो बच्चों ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था तो आज का लेक्चर हमने यहीं ख़त्म कर दिया है। अब आगे हम कराएंगे साबुन बनाने की विधि, आगे हम कराएंगे साबुन। ठीक है, और ये वाला जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम ले लेंगे बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर, फिर उसके बाद मेंडल्स लॉ वाला चैप्टर, उसके बाद सारी हम एक एक चैप्टर वाइज सारी पूरी साइंस 10th क्लास की हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है,